फ्रेंड्स, अब भी भाई टाइम मेरे को खुद नहीं पता है टाइम क्या हो रहा है, बट वैसे टाइम जो है ना भाई वो शाम ही हो रही है और हमारे हिसाब से 3-4 ही बज रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं नाइट की जॉब करके आया था, गया था और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी मेरी बिटिया है ना, बिटिया मेरी बहुत ज़्यादा परेशान थी वीडियो के लिए, क्योंकि मैंने 3-4 दिन से कोई वीडियो बनाया नहीं है। और बिटिया मेरी कौन सी टॉफी लिए, कौन सी है ये, क्या नाम है आपका? बाकी फ्रेंड्स ना, अभी यहाँ पे बिटिया हमारी, तुम कल कौन सा वीडियो बनाने के लिए कह रही थी? बिटिया हमारी अभी बिटिया का एक आधे ना फ्रेंड्स इंस्टाग्राम की ना वीडियो बनानी है, जो कि बनाएंगे। और काफ़ी दिनों से ना बिटिया हमें मिली नहीं है, क्योंकि बिटिया अपने मामा के वहाँ गई थी। मामा के वहाँ थी ना तुम? और फ्रेंड्स, मैं गया था ना, अभी मार्केट गया था ना, तो मैं सोच रहा था कि आपको वहाँ का ब्लॉग दिखाऊँ, बट टाइम नहीं मिला मेरे को। मेरे पास ना बहुत सारे काम थे, जिसके चलते फिर मैंने वहाँ का ब्लॉग आपको शूट करके दिखाया नहीं है। बाकी आप ब्लॉग को एंजॉय करते रहिएगा। और बच्चे हमारे पीछे ना भाई यहाँ पे खेल रहे हैं, हमको लगता है तो तुम रिसु ही हो। रिसु का बर्थडे था, नहीं था? रिसु का बर्थडे हो चुका है। तो क्या गिफ्ट क्या दिया था? मैंने बताया क्या दिया था, मैंने कपड़े और जो सचिन ने दिया था तो दिया था पेंसिल बॉक्स दिया था। और कल फ्रेंड्स रिसु का था भाई बर्थडे, और बिटिया ने हमारी एक बता रही थी कि कोई कार गिफ्ट की, तो तुम तो कल बोल रही थी कि मैंने कार दी है, तो रिसु ऊपर रखता है साला, क्यों ऊपर रखे था? अच्छा, कपड़े मेरे भी ऊपर रख दिया। और बाकी फ्रेंड्स, ब्लॉग मेरा वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, ये 2-4 ही 5 मिनट का होने वाला है। बाकी मैं थोड़ा सा नहा धो के क्लीन से होकर फिर आपसे मिलता हूँ। इनको वही बात, वही वाली वीडियो। तुम कहाँ रहते, कहाँ कहाँ पे? गुलाम हसन पुरवा। इनको जानती बेटिया तुम? नहीं जानते? हाँ बेटिया, इनको बता दो वही बात। मेरे पास बॉल है लेदर का, है अटरिया पे है लेदर का बॉल, बहुत बड़ा हुआ। बहुत बड़े बड़े बॉल हैं बेटे, एक बार हमने दिए हैं अभी ना। अभी दिया था तो हमने बताया कहाँ रख दिया, वहाँ पे इनके अंदर रखता था ऊपर छत पे, क्योंकि यहाँ पे अत्ता बड़ा हो जाएगा कभी कभी, है ना। हाँ बिटिया फ्रेंड तुम्हारी ना, इन बिटिया को ना भाई थोड़ा सा फ्रैंक कर रही है इस लड़की के साथ। देख रहे लड़की कैसे उदास खड़ी है, गुस्सा हो रही है। फ्रेंड अब भी मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ भाई। वैसे मैंने मैगी भी खाई है, थोड़ी सी लगी है अंदर में। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ फ्रेंड। अब ये क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहे हैं मुझे ये क्या दिखा रहा है भाई? अर्थ दिखा रहा है, जमीन दिखा रहा है? जमीन नहीं दिखा रहा भाई, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये डॉग के बच्चे को देख रहे हो ना भाई फ्रेंड, कैसे इसके लिए भाई हम लोगों ने यहाँ पे भाई कांटे लगा रखे हैं, ताकि ये इस जानवरों के चारे पे बैठे ना। और ये फिर भी भाई ना यहाँ से जाकर आराम से जाकर वहाँ पर जाकर बैठ चुका है। और फ्रेंड ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं इनको बैठने नहीं देता हूँ, बैठने में देता हूँ, बट फ्रेंड्स ये जहाँ पर बैठते हैं ना वहीं पर लैट्रिन करते हैं, और लैट्रिन करते हैं ना फिर भाई जानवरों का चारा जो है ना वेस्ट होता है। जिस चारे पर ये लैट्रिन कर देते हैं ना, वो फिर चारा मेरा पूरा एक पैरा वेस्ट हो जाता है, जिसके चलते भाई मैंने इनकी व्यवस्था की थी, बट ये फिर भी नहीं मान रहे, कोई बात नहीं है। वैसे मैं तो भाई ज़्यादा नहीं मारता इनको, क्योंकि मुझे जानवरों से थोड़ा सा प्यार है। बाकी अभी और देखते हैं ब्लॉग पे, आप बने भी हमारे। और फ्रेंड्स अब भाई हो चुकी है शाम, और अपने यहाँ पे सारे बालक आ चुके हैं, जैसा कि देख रहे हैं रिसु आ चुका है, बिटिया भी है और हमारी काव्या भी है। तो वीडियो यार आपको पता नहीं कैसे लगते हैं, मुझे नहीं पता यार। वैसे मैंने आज तक की ना अपने चैनल पे फ्रेंड अराउंड 380 वीडियो ना भाई मैंने अपलोड कर दी है, मेरा एक भी वीडियो वायरल नहीं होता है। पता नहीं क्यों नहीं होता है, यूट्यूब मेरा वीडियो वायरल नहीं करता है या मेरा इम्प्रेशन ही नहीं जाता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है फ्रेंड कि वो किस लिए होता है। बट बच्चे नीचे शैतान कर रहे हो, आपसे बात भी नहीं करने दे रहे फ्रेंड।
और मैं तो यही सोचता हूँ भाई, जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, मैं तो उसी के सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे को, कि आप लोग या जो भी लोग देख रहे हो, आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहो। बाकी पता नहीं यार कब 10,000, 20,000, 4,000, 5,000 लोग देखेंगे मेरे को, मुझे नहीं पता है। अभी तो मेरे लिए जो 10, 20, 50 लोग मेरे को देखते हैं, वही मेरे लिए हैं जो हैं सो हैं। बाकी इसीलिए फ्रेंड्स यार मूड नहीं होता है वीडियो अपलोड करने का। अब मैं कंटिन्यू पर डे की डेट में ब्लॉग बनाकर डाल ही रहा हूँ, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा वीडियो की लिस्ट ना बहुत ज़्यादा हाई होती है यार, मेरे को 2 साल हो रहे हैं फ्रेंड, 2 साल हो रहे हैं यूट्यूब पे, कोई अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिला है। और मैंने देखे हैं बहुत ऐसे लोगों के मैंने वीडियो देखे हैं जो कि ना फ्रेंड्स मेरे ही जैसे वीडियो बनाते हैं, और हो सकता है मेरे से कम एडिटिंग करके, या वैसे अपने हिसाब से सभी फ्रेंड्स अच्छा करते हैं, बट मेरे को जहाँ तक की लगता है कि मैं जिस हिसाब से वीडियो अपलोड करता हूँ, जहाँ की लोकेशन दिखाता हूँ, और जैसे जैसे मैं बताता हूँ वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से मैं अच्छी बताता हूँ, बट कुछ लोगों को मैंने देखा ना एकदम बकवास वीडियो बना के डाल देते हैं ना भाई, वो भी उनके वीडियो पे ना भाई लाखों लाखों व्यू आते हैं, बट पता नहीं क्यों फ्रेंड्स ऐसा है। मेरे को लगता है बकवास हैं, बट जिनका वीडियो होता है ना भाई उनको तो अच्छा ही लगेगा, तो मेरे हिसाब से मैं उनका दिल नहीं दुखी करना चाहता हूँ भाई, आपके वीडियो एकदम बकवास हैं। सो यही था फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना, जो 2, 3, 4 मिनट का वीडियो बनाओ यार, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाकी चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो एक सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए हम आपसे बोलना चाहते हैं जय हिंद और जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आज हमें कल ना रहे, ज़िंदगी और 20 साल की बची है। तब तक के लिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ जय हिंद और जय भारत। राधे राधे।